26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कर्तव्य पथ पर सभी राज्य अपनी अपनी थीम के साथ झांकी दिखाएंगे, लेकिन इस बार हरियाणा की झांकी की खास चर्चा है। जी हां, इस बार कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से पूरी दुनिया को श्री भगवद गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू किया जाएगा। हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है, जिसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन होंगे। इस झांकी ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया, ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इस बार बड़े ही हश्र की बात है, बड़े ही फख्र की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से लगातार दूसरी बार हरियाणा राज्य की जो झांकी है, जो टैबलो जिसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। पिछले वर्ष जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो हमारे पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान हैं, उनकी एक लाइव झांकी थी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। और जो हमारे ओलंपिक विनर्स हैं और जो दूसरे मेडलिस्ट हैं विभिन्न खेलों में हरियाणा के, उनको पूरे विश्व से, पूरे देश से उस झांकी के माध्यम से रूबरू कराया गया था। उससे पहले सन 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा राज्य पहले किसी समय में बड़ी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन थी, जहां बेटियों की संख्या बड़ी कम थी, तो उसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था हरियाणा में, जिसमें हमारा जो लिंगानुपात है सुधर कर अब बहुत अच्छा हो गया, लगभग 920 के आसपास हो गया है, जो कि पहले कभी 850 था। उस पर एक बहुत सुंदर झांकी 2017 में आई थी। उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में हमारी झांकी खिलाड़ियों की आई थी, और इस बार मुझे बड़े गर्व के साथ ये बताते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि 2023 में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के टॉपिक पर जो है झांकी हमारी इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने हरियाणा प्रस्तुत करेगा। बता दें, पिछले साल खेलों में नंबर वन हरियाणा की थीम पर आधारित झांकी के माध्यम से हरियाणा की खेल उपलब्धियों को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था, और इस बार भी हरियाणा अपने देश प्रेम को सशक्त तरीके से देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी में है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ कमल कुमार कंसल की रिपोर्ट, दिल्ली।